जिस गाड़ी के तले अंजलि को कुचला गया, उस गाड़ी में भाजपा का स्थानीय नेता मनोज मित्तल मौजूद था और उसके तमाम नुमाइंदे उस गाड़ी में थे। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर वो व्यक्ति है जिसने एक लड़की का रेप किया और आवाज उठाने पे उसके पूरे परिवार को मार डाला। हुक्मरान हमारे सत्ता में बैठे हैं, वो खुद रेपिस्ट हैं, वो मर्डरर्स हैं। जो बर्बरता हुई अंजलि के साथ, उस पे आज कई सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कि क्यों हर आने वाला साल, जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, एक लड़की को 10 से 12 किलोमीटर देश की राजधानी दिल्ली में कारों के नीचे घसीटा जाता होता है और किसी को खबर तक नहीं होती है। दिल्ली पुलिस कहाँ सो रही होती है? गृह मंत्रालय 3 दिनों तक कहाँ सो रहा होता है? जब कंझावला के लोग सड़कों पे उतरते हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं, तब अमित शाह का फरमान आता है कि इस पूरे मसले में जांच कमेटी बनाई जाए। कौन सी जांच कमेटी, जब ये पूरी तरीके से ये बात साफ थी कि जिस गाड़ी के तले अंजलि को कुचला गया, उस गाड़ी में भाजपा का स्थानीय नेता मनोज मित्तल मौजूद था और उसके तमाम नुमाइंदे उस गाड़ी में थे, तब कौन सी जांच कमेटी की हम बात कर रहे हैं? सीधे तौर पे जो आरोपियों को बचाने का काम दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्ट्री करता रहा, लोगों के दबाव में आकर के इनको ये बात करनी पड़ी, इनको रिमांड पे उन आरोपियों को लेना पड़ा। तो हमारे सामने साफ है, पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं। बिल्किस बानो के मामलों में इन्होंने बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन आज़ादी दिलवाई। चिन्मयानंद इनके पार्टी के नेता हैं। कठुआ में जो हुआ, वहाँ इनके भाजपा के लोगों ने बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाला। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर वो व्यक्ति है जिसने एक लड़की का रेप किया और आवाज उठाने पे उसके पूरे परिवार को मार डाला। उत्तराखंड में अंकिता की घटना हमारे सामने, विनोद आर्या और उस रिजॉर्ट में उसका बेटा लड़कियों को गलत कामों के लिए, वैश्यवृत्ति के लिए उकसाता था और बात सामने आने पे उस लड़की का मर्डर कर दिया जाता है। तो ऐसे कितने ही उदाहरण गिनाए जाएं जो ये साफ करते हैं कि आज जो हुक्मरान हमारे सत्ता में बैठे हैं वो खुद रेपिस्ट हैं, वो मर्डरर्स हैं। और ऐसे लोगों को बचाने का काम, उनको तमाम पूरा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने का काम भाजपा आज कर रही है, पुलिस प्रशासन के जरिए हो या तमाम अपने हथकंडों के जरिए हो, ऐसे लोगों को बचाने का काम कर रही है और इस मसले में भी उन्होंने ये किया। लेकिन दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कहाँ थी तब, कहाँ थी? जाहिर तौर पे दिल्ली पुलिस 10 से 12 किलोमीटर तक उस लड़की की डेड बॉडी घसीटी जाती है, दिल्ली पुलिस को खबर क्यों नहीं होती है? ये सवाल है हमारे सामने। और जब तक कंझावला के लोग सड़कों पे नहीं उतरते हैं, तब तक आरोपियों को दिल्ली पुलिस क्यों नहीं लेती है कस्टडी में? आपको पता होगा, कंझावला के लोगों ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया, उनको पता था मनोज मित्तल सीधे तौर पर इसमें जिम्मेदार है और उसके तमाम चारों लोग उसके साथ थे। तो पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है इन लोगों को। बिल्कुल, 3 दिनों तक तो यही होता रहा, उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों के दबाव में आकर के इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। बिल्कुल, उसके फ्रेंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसकी वजह से, निधि की वजह से जो केस में जो बदलाव आ रहा है? देखिए, होता क्या है इन तमाम ऐसी घटनाओं में कि जब भी स्त्रियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इस पूरे मसले को इस चीज़ पे ले आके खड़ा कर दिया जाता है कि वो लड़की थी, वो रात के 3 बजे अपने घर से बाहर निकली थी, उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो नशे में धुत थी, या तमाम ऐसे सवाल जो उस लड़की के चरित्र पे ही उंगली उठाते हों, ये इसलिए ही किया जाता है क्योंकि इसके पीछे असल सवाल गायब किया जा सके कि आज हम किस समाज में खड़े हैं। ये सवाल क्यों नहीं होता है कि आज हमारे समाज में महिलाएँ क्यों असुरक्षित हैं? हमारे समाज में ऐसे हुक्मरान, ऐसे नेता मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर मर्डर्स के चार्जेस हैं, इतनी संगीन धाराएं हैं और वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये सारे सवाल गायब हो, इसीलिए औरतों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है ताकि इन पे पर्दा डाला जा सके। अंजलि की दोस्त ने ही बोला है कि निधि ने कि उसने ड्रिंक की हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में आया है कि उसने ड्रिंक नहीं की हुई है। बिल्कुल, इसमें साफ है, अगर आप बहुत सारे फैक्ट्स को लोगों के सामने रख दोगे, इनकी मीडिया आज किसकी है? तमाम मीडिया चैनल्स आज भाजपा कंट्रोल्ड है, बीजेपी कंट्रोल्ड है, तो बहुत सारे फैक्ट्स लोगों के सामने रख दोगे तो लोग कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन असल सवाल आज हमारे सामने है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। और बात यही है कि क्यों
विश्व गुरु भारत, जिस विश्व गुरु भारत की हम बात करते हैं, उस विश्व गुरु भारत में महिलाएं ऐसे कुचली जाती हैं, ऐसी बर्बरता से ऐसे घटनाएं उनके सामने होती हैं, ऐसे भेड़िए हमारे ऊपर राज करने के लिए कब क्यों बैठे हैं? क्या डिमांड कर रहे हैं आज? क्या डिमांड? आज हम यही डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह इस्तीफा दें, इस पूरे मसले को संज्ञान में लेते हुए शर्म करें और इस्तीफा दें। दिल्ली पुलिस की लापरवाही से जो घटना हुई है, जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। अच्छा, दिल्ली महिला आयोग की जो स्वाति मालीवाल है वो ये कह रही है कि भैया ये जो केस हुआ है, अगर जो जैसे मैटर होते हैं जो टीवी में हाईलाइट हो जाते हैं तो उस पर स्वाति मालीवाल आ जाती है, तमाम और भी केसेस ऐसे पड़े रहते हैं। बिल्कुल, इन तो अभी चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर स्वाति मालीवाल हो, ऐसे तमाम मसलों में ये तू नंगा का खेल खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का और अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। और इस पूरे मसले में असल सवालों पे चाहे वो केजरीवाल हो स्वाति मालीवाल हो कोई भी बात नहीं करेगा। तो इसलिए ही ये तो साफ ही है बिल्कुल कि ये इस आपसी राजनीति और आपसी भिड़ंत के लिए ये करते हैं। ऐसी घटनाएं रोज होती हैं जिन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा, ऐसी घटनाएं होती है परिवार से है या उस समुदाय से आती है, खासकर दलित से, इसलिए गोलमोल घुमाया जा रहा पूरे मामले को। देखिए, बात अगर आज हम करें तो जाहिरा तौर पे इस देश में अगर कोई व्यक्ति दलित जाति से आता है तो उसका हम मानते हैं दोहरा उत्पीड़न होता है, उसको अधिक इस देश में झेलना पड़ता है और स्त्री होने के नाते तो और भी झेलना पड़ता है। तो ये इस देश की भी एक विडंबना है कि ये आज हमारे सामने ये भी सवाल है।